गुड मॉर्निंग बच्चों, खूंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये आज हमारा चैप्टर न्यूट्रिशन पार्ट टू है, ठीक है। ये चैप्टर एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने विटामिन पढ़ रखा है, तो ये पार्ट टू है हमारा, साइंस का पार्ट टू, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है, सबसे पहले आपको बताना है न्यूट्रिशन क्या है, है ना। चलो चलो, एक एक करके इनके क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो, न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है, हमने कहा एक बैलेंस डाइट होता है, हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। और बैलेंस डाइट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, खाने में हमें क्या क्या लेना चाहिए। नंबर एक, कार्बोहाइड्रेट, क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। नंबर दो, प्रोटीन, ठीक है, और क्या लेना चाहिए, प्रोटीन। तीसरे नंबर पर फैट, फिर क्या करना चाहिए, हमें क्या लेना चाहिए, हमें बेटा लेना चाहिए विटामिन। हाँ, हमें क्या करना चाहिए, दिख नहीं रहा, अभी दिखेगा बेटा, आपको अभी दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है अभी, ठीक है। फैट, फिर विटामिन, है ना, और फिर क्या करना चाहिए, कुछ सॉल्ट्स एंड मिनरल्स भी लेना चाहिए, मिनरल्स, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हमारे फूड के अंदर हैं, हमारे भोजन में हैं, तो वो हमारा भोजन क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, बैलेंस डाइट कहलाता है। और ये सारे कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, ये सारे मिल करके क्या बनाते हैं, न्यूट्रिशन है। ये सब क्या है, न्यूट्रिशंस हैं। अगर इनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट्स, देखो न्यूट्रिशन के अंतर्गत जो भी चीज़ आते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। प्रोटीन क्या बेटा, न्यूट्रिएंट्स है। फैट क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। विटामिन, न्यूट्रिएंट्स है। सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की हमारे बॉडी के अंदर डिफिशियंसी हो जाएगी, डिफिशियंसी का मतलब कमी, क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, तो बताओ रोग, कोई ना कोई रोग हो जाएगा। बोलो, अगर हम खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खा रहे हैं तो हमारे शरीर में किसी कोई ना कोई कंपोनेंट की कमी रह जाएगी, और जब कंपोनेंट की कमी रह जाएगी तो हम, तो क्या हो सकता है, हमें डिसीज हो सकती है, ठीक है। तो देखो, इनमें से मेन फंक्शन क्या क्या होता है, पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेटा किसके बारे में पढ़ेंगे, फैट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम विटामिन के बारे में, हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, हमने उसमें पढ़ रखा है, फिर हम सॉल्ट और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। बताओ, ये सारी चीज़ें हम फूड में खाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या होता है, ये हमें क्या क्या देता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गॉट इट, इतनी बातें समझ आ रही ना बेटा। चलो अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में बेटा पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये एक्चुअली हमें किससे प्राप्त होता है, हम क्या खाएं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिले। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट किसमें किसमें होता है, इस इमेज को आप लोग देखिए, इस इमेज को देखिए, आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ये इमेज को देखिए और आपको क्लियर होगा। चलो आ जाओ, देखो ये है, सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, राइस। राइस का मतलब चावल, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये यहां पर लिखिएगा, आप हेडिंग डाल लीजिएगा, सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या डालिएगा, सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत या सोर्स, किससे किससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो लिखो सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहां पर हेडिंग एक डालेंगे, सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो लिखो सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स किस किस से मिलता है, तो नंबर एक, राइस से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ब्रेड से मिलता है। अच्छा, राइस जानते हैं ना बेटा, चावल, चावल, अगर हम चावल को खाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ब्रेड से भी क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगर हम चपाती खाते हैं, चपाती खाते हो ना, गेहूं की चपाती खाते हो, ठीक है, व्हीट की, फिर अगर, तो उससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है।
पोटैटो से हमें क्या मिलता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बनाना से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है ना कार्बोहाइड्रेट इनसे प्राप्त होता है। इनमें सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट बेटा कई प्रकार का होता है, ये हम है ना जैसे कि ग्लूकोज, ये भी कार्बोहाइड्रेट का रूप है। कौन कौन सा, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के रूप होते हैं, फॉर्म होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कितने किस किस, ऐसे हमने कहा ना कि कार्बोहाइड्रेट अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, अलग अलग रूप में पाया जाता है। तो देखो अगर हम ये कहें फॉर्म्स ऑफ ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट किस किस फॉर्म में पाया जाता है, तो एक तो पाया जाता है ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में पाया जाता है। दूसरा किसके फॉर्म में पाया जाता है, फ्रक्टोज के फॉर्म में पाया जाता है। किसके फॉर्म में पाया जाता है बेटा, फ्रक्टोज के फॉर्म में। फिर माल्टोज के फॉर्म में, माल्टोज के फॉर्म में, ठीक। फिर स्टार्च के फॉर्म में, किसके फॉर्म में बेटा, स्टार्च। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, और एक लैक्टोज भी होता है। क्या होता है बेटा, लैक्टोज होता है। लैक्टोज के फॉर्म में भी ग्लूकोज पाया जाता है ना, सॉरी लैक्टोज के फॉर्म में भी आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो जल्दी से बताओ किस किस रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है बेटा, आपका ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रैक्टोज, स्टार्च और लैक्टोज। अब ये किस क्या खाएं, तो ये ग्लूकोज नाम का जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें प्राप्त हो, ठीक है। जो ग्लूकोज होता है ना बेटा, ये ग्लूकोज ये सबसे सिंपल शुगर है। सिंपल का मतलब है कि ये सबसे, ये सिंपलेस्ट शुगर होती है। कैसी होती है, सिंपलेस्ट शुगर होती है। और ग्लूकोज में क्या रहता है जिससे ताकत आती है, बिल्कुल देखो ग्लूकोज हमें एनर्जी देने का काम करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, क्विक एनर्जी देता है। जितने कार्बोहाइड्रेट्स होते ना, कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन होता है टू गिव्स एनर्जी, टू प्रोवाइड्स एनर्जी, कह सकते हैं टू प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी, ठीक है। तो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, कौन करता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट मेनली। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए मेनली एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट, तो लिखो लिखो विच न्यूट्रिएंट्स गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है बेटा, तो आंसर क्या आएगा इसका, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन प्रोवाइड करता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। और अगर ये पूछा जाए हमारे बॉडी को क्विक एनर्जी कौन देता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी को क्विक एनर्जी देता है बेटा ग्लूकोज। तो हमारी बॉडी को क्विक एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज। तो लिखो विच न्यूट्रिएंट्स गिव क्विक एनर्जी टू आवर बॉडी। तो लिखो विच न्यूट्रिएंट्स गिव्स क्विक एनर्जी टू आवर बॉडी। तो ये देखो पहले आएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में ना दे रखा हो, ग्लूकोज दे रखा, तो आप किसको लगाओगे बेटा, ग्लूकोज। मैं लिख देता हूँ विच types of nutrients, nutrients gives quick energy to our body, कौन देता बेटा, तो लिख लो ग्लूकोज कौन देता बेटा, ग्लूकोज देता है, हमारे बॉडी को क्विक एनर्जी देता है। आया समझ में, समझ आया बेटा, चलो। तो ये हमें, हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करता है, कौन का एनर्जी देने का काम करता बेटा, ग्लूकोज। कौन देता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के बारे में समझ में आया। अच्छा सबसे मीठा ग्लूकोज, वो सबसे मीठा जो होता है कार्बोहाइड्रेट, वो कौन सा होता है, तो लिखो नहीं
बनाना तो मीठा वैसे नहीं, अगर शुगर की बात की जाए तो लिखो स्वीटेस्ट शुगर या ऐसे लिखना, एक पॉइंट लिख लो फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज हैव मैक्सिमम या फ्रैक्टोज इज द, ऐसे लिखना फ्रैक्टोज इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फ्रैक्टोज इज द रिचेस्ट richest source of carbohydrate, carbohydrate, ठीक है। तो जो ये होता है फ्रैक्टोज होता ना, ये सबसे richest source होता है किसका, कार्ब, सबसे अगर आपसे बेटा ये पूछा जाए सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है बोलो, तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, जो फ्रैक्टोज है ना वो रिचेस्ट सोर्स है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इसी के अंदर पाया जाता है, किसके अंदर, फ्रैक्टोज। और ये जो होती ना, ये जो फ्रैक्टोज जो होता है ना सबसे स्वीटेस्ट शुगर है, ये कैसे है, स्वीटेस्ट शुगर होती है, सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट शुगर होती है। तो बताओ अगर सोर्सेज पूछेगा तो आप क्या बताओगे, राइस, ब्रेड, चपाती, पोटैटो, ठीक है। और हमें क्विक एनर्जी कौन देता है बेटा, ग्लूकोज, कौन देता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला लिख लेना, कभी कभी पूछ लेते हैं, देखो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज इसका फार्मूला क्या होता है, तो होता बेटा C6H12O6, क्या होता है C6H12O6, दिख रहा ना है? ये देखो ये मैंने लिख दिया, कोई नहीं एक बार लिख लो इसको C6H12O6, क्या होता है बेटा C6H12O6, ये देखो C6, ये लिखा C6H12O6, ये है फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज समझ में आया हमें, अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि एनर्जी देने का काम कौन करता है हमारे शरीर में, तो कार्बोहाइड्रेट करता है, अगर कार्बोहाइड्रेट ना दिया हो तो क्विक एनर्जी कौन देता है, ग्लूकोज देता है। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो राइस, ब्रेड, चपाती, पोटैटो, बनाना, ये सारे क्या हैं आपके सोर्सेस हैं। नेक्स्ट हमारा बेटा न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन, क्या है प्रोटीन, देखो ये सारे प्रोटीन के सोर्सेस दे रखे हैं, देखो एक बार देखो प्रोटीन को क्या क्या खाने से मिलती है प्रोटीन हमें, तो सबसे पहले देखो क्या दे रखे हैं, जो जो वो होता है मीट होता है, बीफ, बीफ मतलब होता है मीट किसका, है ना, चिकन, चिकन भी से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलती है ना। इसके बाद में हमें बिल्कुल देखो पहले सुन लो, मिल्क से भी प्रोटीन मिलती है, ये मेन सोर्सेस हैं जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद चीज, ये जो आपके हैं एग से भी प्रोटीन मिलती है हमें, जो वो नट्स होते हैं इनसे भी हमें क्या बेटा बेटा प्रोटीन मिलती है, लेग्यूमिनेस जो होते हैं, लेग्यूमिनेस का मतलब होते हैं दाल वाले जो पौधे होते हैं दाल, ठीक है, लिख लेना भी बता रहा हूँ, इनसे भी प्रोटीन मिलती है। अगर हम फिश की बात करें, ठीक है, तो फिश से भी हमें क्या मिलती बेटा प्रोटीन मिलती है, ठीक है। अगर एक होता है सोयाबीन, क्या होता है सोयाबीन होता है, सोयाबीन से हमें क्या मिलती है बेटा प्रोटीन मिलती है। और ये जो सोयाबीन है ये कैसा है, रिचेस्ट सोर्स है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन ये बेटा प्रोटीन का सबसे रिचेस्ट सोर्स है, कौन है सोयाबीन, सोयाबीन क्या है रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, देखो ये मैंने लिख दिया रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन बेटा क्या होगा सोयाबीन, तो सोयाबीन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, बातें समझ आ रही ना आपको ना, सोयाबीन क्या है रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अच्छा तो बताओ इनके सोर्सेस क्या क्या हुए आपके, मतलब चिकन खाओ, फिश खानी है आपको, ठीक है, जो मैंने मैं मेन मेन चीज बता रहा हूँ, जो आप मिल्क, नट्स, एग, लेग्यूमिनस, चीज भी आप खा सकते हो, ठीक है, इन सबसे हमें क्या मिलेगा बताओ, हाँ इन सबसे क्या मिलेगी प्रोटीन मिलेगी। अच्छा प्रोटीन की कमी से रोग कौन सा होता है, तो लिखो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन विच डिसीज इज कॉज्ड इन ह्यूमन, तो लिखो ड्यू टू
ड्यू टू डिफिशंसी ऑफ प्रोटीन प्रोटीन विच डिसीज इज कॉज्ड इन ह्यूमन। ठीक है, इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है बताओ, प्रोटीन की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है, प्रोटीन की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है जल्दी से बताओ। ठीक है, तो कौन सी होती बेटिया, कावाश्योरकर, कौन सी, कावाश्योरकर एंड मैरास्मस, कौन सी रोग होता बेटा, कावाश्योरकर और मैरास्मस, तो लिख लो इनको, लिख लो डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन कौन सा रोग होता है बेटा, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन का मतलब अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो रोग होता है कावाश्योरकर कावाश्योरकर। ठीक है, कौन सी होती है, कावाश्योरकर। ठीक है, तो ये कावाश्योरकर और एक होती है मैरास्मस, कावाश्योरकर और मैरास्मस ये डिसीज होती है। ठीक है, और ये हेल्प किसमें करता है, जो ये होती है जो आपकी प्रोटीन होती है, प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तो लिखो लिखो द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन, तो लिखो फंक्शन क्या होता है इसका, हाँ फंक्शन ऑफ प्रोटीन, तो देखो लिखो फंक्शन ऑफ प्रोटीन, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, फंक्शन ऑफ प्रोटीन बेटा क्या होता है, लिखो इसमें टू हेल्प ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यू, किसके रिपेयरिंग में हेल्प करती है, सेल्स और टिश्यू के रिपेयरिंग में हेल्प करती है। ठीक है बेटा, सेल्स और टिश्यू के रिपेयरिंग में हेल्प करती है, कहने का मतलब हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर किससे बना हुआ है, सेल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो ये सेल्स डिवाइड होती है, एक से दो बन जाती हैं, दो से चार बनती हैं, चार से ऐसे बढ़ती जाती हैं ना, तो इसको डिवाइड करने में कौन हेल्प करता है बेटा, बोलो ये प्रोटीन हेल्प करती है। कभी आपने देखा होगा आपको अगर चोट लग जाए ना तो धीरे 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 आपका घाव भर जाता है, किसकी हेल्प से, ये प्रोटीन की हेल्प से, किसकी हेल्प से बेटा, प्रोटीन की हेल्प से। तो प्रोटीन क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर क्या काम करती है बेटा, हाँ रिपेयरिंग ग्रोथ एंड बोलो सेल्स एंड टिश्यू। ठीक है, चलो आगे करते हैं, अगला हमारा है बेटा, अगला हमारा है फैट, क्या है बेटा, फैट है, चलो फैट को देखते हैं, फैट क्या कह रहा है, ये देखो फैट, फैट की इमेज देखो ये है, किससे किससे फैट मिलता है जल्दी से देखो, बादाम खा लो आप, आलमंड, नट्स खा लो, अखरोट, या फिर आपको क्या खाना है, नट बटर खाना है उससे भी मिलेगा आपको, और क्या खाना है जो ये होता है जिसको पिस्ता बोलते हैं ये, ठीक है इससे भी मछली से भी मिलता है आपको। ठीक है, इसके बाद में किससे, लीवर आयल जो होता है इसको, है ना, इनसे सबसे क्या मिलता है बेटा हमें, एग से भी मिलता है हमें फैट, ये सारे सोर्सेस क्या हैं, फैट के सोर्सेस, हाँ बादाम, ये सारे किसके सोर्सेस बेटा, फैट के सोर्सेस हैं, किसके फैट के सोर्सेस हैं, क्या बेटा कहाँ पे, कौन सा, ये जो, अच्छा, ये जो ऑयल है ये एक, ये बेटा ऑयल होता है उसका,
और लीवर ऑयल, और लीवर का मतलब होता है हम यकृत का, जैसे मछली के यकृत का तेल इस तरीके से भी होते हैं, ऑयल्स होते हैं, मस्टर्ड ऑयल हो गया ये भी आपका फैट का सोर्सेस है, घी हो गया ये भी फैट का सोर्सेस है। तो इन सबको खाने से क्या बढ़ता है, अगर इनकी अधिकता हो जाएगी, अगर हम ज़्यादा फैट का यूज करके मैक्सिमम फैट खाएंगे, क्या खाएंगे मैक्सिमम फैट खाएंगे, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल। कौन सी बीमारी हो जाएगी बेटा, कोलेस्ट्रॉल। और ये जो फैट होता ना हमारे शरीर के अंदर एक इंसुलेटर का काम करता है, किसका काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है। देखो ये क्या करता है, बॉडी से हीट लॉस को प्रिवेंट करता है। तो लिख लो फैट हेल्प्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम द बॉडी। कहाँ से करता है ये, बॉडी से टेम्परेचर को लॉस होने से बचाता है। ठीक है, लॉस की स्पेलिंग लिखना एल ओ एस ई होगा था, ये लॉस स्पेलिंग सही होगा, सही लिख लेना लॉस, एल ओ एस ई, लॉस होने से बचाता है। ठीक है, तो इसके सोर्सेस समझ में आए क्या क्या हैं, इसका काम क्या समझ में आया बेटा आपको, ज़्यादा खाओगे तो क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बीमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो जाएगी, जिससे हमारा हार्ट अटैक आने की संभावना होती है, हार्ट अटैक आने की संभावना। तो जो ज़्यादा अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे फैट का तो क्या होगा बेटा, तो इसमें जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं जो, ठीक है, वो क्या, वो रुद्ध हो जाएंगी, रुद्ध होने का मतलब वो रुक जाएंगे, और जब रुक जाएंगे तो उनके अंदर ब्लड फ्लो नहीं होगा, जाम हो जाएंगे ना, ज़्यादा ब्लड खाओ, ज़्यादा अगर फैट खाओगे, और फैट हमारे बॉडी की हीट लॉस से बचाता है, हमारे जो स्किन है स्किन को ड्राइनेस से प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स अगेंस्ट ड्राइनेस। ठीक है, ये ड्राइनेस से बचाता है, स्किन को ड्राइनेस से बचाता है। ठीक है, बताओ ये बातें समझ आ रही नहीं आ रही है, ठीक है, बोलो, अरे बोलो भाई समझ आ रही है। अब देखो देखो न्यूट्रिशन के बेसिस पे ना अलग अलग एनिमल्स को बांटा गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स। जैसे कि देखो किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ये फिगर देखना, जैसे हमने कहा लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन के बेसिस पे उनको बांटा गया है। सबसे पहला होता हर्बीवोर्स एनिमल, कौन सी बेटा, हर्बीवोर्स एनिमल। हर्बीवोर्स कैसे होते हैं, हर्बीवोर्स का देखो इसको थोड़ा समझा देता हूँ आपको। देखो जो देखो न्यूट्रिशन के बेसिस पे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जैसे न्यूट्रिशन के बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं ऑटोट्रॉफिक, कैसे होते हैं ऑटोट्रॉफिक, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब न्यूट्रिशन लेने का तरीका ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, देखो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है बेटा सेल्फ, देखो ऑटो का मतलब क्या होता है बेटा सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट, ये जो ट्रॉपिक है इसका मतलब क्या होता है नरिशमेंट, इसका मतलब होता है नरिशमेंट। ठीक है, तो सेल्फ नरिशमेंट, जो स्वयं नरिशमेंट लेते हैं, स्वयं पोषण लेते हैं, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, क्या करते हैं उसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। जैसे कि आपके देखो जो इसको हम कह सकते हैं दोज ऑर्गेनिजम्स विच ऑर्गेनिजम्स या दोज एनिमल विच प्रिपेयर देयर वॉन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं या स्वयं यूज करते हैं, सेल्फ सेंसिटाइज कर लेते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। हेटरोट्रॉफिक वो होते हैं दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर वॉन फूड, दे डिपेंड्स ऑन अनदर, दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, डिपेंड्स रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर वॉन फूड, ये लिख लो आप,
ऑटोट्रॉपिक आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर वन फूड। मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखो पहला ऑटोट्रॉपिक, लिखना ऑटोट्रॉपिक आर ऐसे लिखो, ऑटोट्रॉपिक इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स मेक देयर वॉन फूड वॉन फूड। जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, तो लिखो हेटरोट्रॉपिक इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड प्रिपेयर देयर ऑन फूड दे डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स। नीचे लिख देता हूँ दे, या दूसरे कलर से लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। दे डिपेंड्स, लिख लो यहाँ पर, लिख लो दे डिपेंड्स ऑन एन अदर ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं, क्या करते रहते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिजम विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड दे डिपेंड्स ऑन अनदर। जैसे कि मैन हो गया, ये अपना भोजन स्वयं बना सकता है नहीं, प्लांट्स पर डिपेंड है, ठीक है। लायन हो गया, लायन क्या अपना भोजन बना सकता है, नहीं बना सकता, ये दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। और ऑटोट्रॉपिक में क्या आएंगे, ओनली और ओनली ग्रीन प्लांट्स, लिख लो ओनली ग्रीन प्लांट्स, ओनली ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, हरे पौधे। और ये अपना भोजन जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अभी हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ओनली ग्रीन प्लांट्स ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसमें लिखना बहुत और भी सारे होते हैं। अब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी ये दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इतनी बात समझ आई, हेटरोट्रॉपिक क्या है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो अलग अलग, उसमें क्या होता है, नंबर पहला आएगा हर्बीवोर्स, ये भी तो हर्बीवोर्स जो है वो भी तो किसी ना किसी पर डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, सिर्फ प्लांट पर डिपेंड है। जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। तो हर्बीवोर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स विच ओनली ईट ग्रासेस या ओनली ईट प्लांट्स, इसको खाते हैं बेटा, प्लांट्स को खाते हैं। तो लिखो हर्बीवोर्स के साइड में लिख लेना प्लांट ईटिंग एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, प्लांट ईटिंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें जिस देखो काऊ है घास को खाती है, बकरी भी घास को खाती है जिसको गोट कहते हैं, ये डियर भी घास को खाता है, हॉर्स भी घास को खाता है, ठीक है, गोरिल्ला भी आपका ये फल फ्रूट खाता है, ठीक है, टर्टाइज है, इसके बाद पांडा है, एलिफेंट है, ठीक है, ये जितने सारे दे रखे हैं आपके, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, जेब्रा है ना, जितने सारे दे रखे हैं ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं बेटा, आपके हर्बीवोर्स एग्जांपल्स हैं। समझ आया कि नहीं आया, बोलो ये बातें समझ आई कि नहीं आई हमने। अब इसमें जो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हर्बीवोर्स, एक तो होता है कार्निवोर्स, ठीक है, एक तो होता है ओमनीवोर्स, सारे बताऊंगा। देखो ये है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉपिक नहीं इसमें, सॉरी ये मैंने गलत इसमें बता दिया, ऑटोट्रॉपिक नहीं, हेटरोट्रॉपिक में, किसमें बेटा, हेटरोट्रॉपिक में। हेटरोट्रॉपिक के अलग अलग फॉर्म हैं, जैसे कि हमने बताया कौन कौन से, एक तो होता है आपका हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस,
हर्बीबोर्स, कॉर्निबोर्स और ओमनीबोर्स। ये देखो हर्बीबोर्स, कॉर्निबोर्स, ओमनीबोर्स, अभी इनको एक एक बारे में बताऊंगा। तो हमने हर्बीबोर्स पढ़ लिया। हर्बीबोर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट या फिर ग्रासेस को खाते हैं। जैसे कि हमने सारे एग्जांपल्स आपको बताए कौन कौन से हैं, एक बार फिर से पिक्चर को अच्छे से देख लो और याद कर लो आप, ठीक है। ये सारे बताओ, ये सिर्फ घास को खाती है। गाय क्या खाती है? सिर्फ घास को खाती है। गोट क्या खाती है? सिर्फ घास को खाती है। डियर क्या खाता है? सिर्फ घास को खाता है। हॉर्स सिर्फ घास को खाता है। तो ये सारे एग्जांपल्स जो भी इसमें पिक्चर में दे रखे हैं, ये सब किसके हैं? हर्बीवोर्स के हैं। इसके बाद दूसरा क्या हेटरोट्रॉपिक का है, लेकिन हर्बीवोर्स हैं लेकिन डिपेंड तो दूसरे के ऊपर है। किस पर? प्लांट के ऊपर। प्लांट खत्म हो जाए तो क्या ये जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे जी, अब इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दूसरा है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स, दे आर द मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बट दे कैन नॉट ईट ग्रास। ये ग्रास नहीं खाते हैं। ये भी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही एक फॉर्म है। किसका है? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही एक फॉर्म है। बट ये क्या नहीं खाते बेटा? ये क्या नहीं खाते बोलो जल्दी से? ये प्लांट नहीं खाते। ओनली ओनली ईट, हाँ क्या खाते बेटा? ओनली ईट मीट। मीट कह सकते हो या फ्लैश कह सकते हो या फिर एनिमल्स। ओनली ईट एनिमल्स, केवल एनिमल्स को खाते हैं, उनका मीट खाते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? इनको बोलते हैं कार्निवोर्स। क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। जैसे कि टाइगर है, देखो अब इनके एग्जांपल्स देख लेना। इनके एग्जांपल्स में बताता हूँ आपको, देखो एक बार पिक्चर में दिखाता हूँ जिसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये देखो जैसे कि टाइगर है, टाइगर बताओ क्या खाता है? सिर्फ और सिर्फ मांस खाता है, एनिमल्स को खाता है। खाता है या नहीं खाता है? भेड़ खाता है, सिप खाता है, मतलब है ना, बोलो। तो टाइगर हो गया। इसके बाद प्लैटिपस, ये भी कार्निवोर्स है। लाइन है, वॉल्स। प्लैटिपस बेटा एक मैमल्स है जो ये अंडे देता है ना, ये अंडे देता है प्लैटिपस। ईगल है, जगुआर है, फॉक्स है, स्नेक है, क्रोकोडाइल है, ऑक्टोपस, ये सा क्या? पेंगुइन भी, क्यों? उसमें मछलियों को खाती है पानी के अंदर। मछली क्या है? मांसा, मतलब ईगल हो गया, ठीक है, ये जगुआर हो गया, ठीक है, ओलर्स हो गए, ये सारे के सार्क हो गई। सार्क भी अंदर मछली, ये छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है, ठीक है, कीड़े मकोड़े खाती है, ठीक है। तो ये कैसे हैं? ये कैसे बेटा? कार्निवोर्स हैं। सिर्फ और सिर्फ किसको खाते हैं? एनिमल्स को खाते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्निवोर्स। तो लिखा दोज ऑर्गेनिजम्स ओनली डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स या ओनली ईट मीट या एनिमल्स इज कॉल्ड, क्या कह सकते हैं इसे? कार्निवोर्स। क्या कह सकते हैं बेटा? कार्निवोर्स। सिर्फ और सिर्फ दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्निवोर्स कहते हैं। इतनी बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। तो कार्निवोर्स कौन कौन से हैं? कार्निवोर्स कौन कौन से हैं, ये समझ में आया? तो इसको इसके बारे में लिखा दूं? लिख लो। लिखो दो, लिखो इट, कार्निवोर्स में लिखना है इट इज अ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ईट्स अनदर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे कि आप क्या देंगे? एनिमल्स इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं? कार्निवोर्स कहते हैं। ये प्लांट को नहीं खाते। इनको किनको नहीं खाते? ये प्लांट को नहीं खाते हैं। आया समझ में? ये प्लांट को खाते हैं। एक और होता है ओमनीवोरस होते हैं। क्या? एक थर्ड है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब
दोनों खाएं, प्लांट भी खाएं, प्लांट को भी खाते हो और एनिमल को भी खाते हो, एनिमल्स को भी खाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उसे हम क्या कहेंगे बोलो, उसे बोलेंगे ओमनीवोर्स। क्या बोलेंगे? ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स बोलते हैं, ओमनीवोर्स एनिमल बोलते हैं, एनिमल, एनिमल्स उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स एनिमल बोलते हैं। अरे ये बातें समझ आ रही ना आप लोगों को, है ना? चलो ओमनीवोर्स के फिर दिखाते हैं जो, तो लिख इसमें लिख लेना, एक लाइन लिख लेना, दे ईट, दे ईट प्लांट्स एज वेल एज, नहीं प्लांट्स एंड दे ईट बोथ है, प्लांट्स ऐसे लिखना, दे ईट्स बोथ, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट और एनिमल्स को दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, उन्हें क्या कहते हैं जल्दी से बोलो, ओमनीवोरस। क्या कहते हैं? ओमनीवोरस कहते हैं। जैसे कि देखो ये सारे चीज़ें देखो, जैसे आप देखो इसमें देखना, ये मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको, जैसे डॉग है, बताओ डॉग चूहे को खाता है, बताओ खाता है, बिल्ली को खाता है, रोटी भी खाता है, घास भी कभी कभी खा लेता है, खाता है कि नहीं खाता, बोलो। तो ये कैसा है? ओमनीवोर्स है। हम लोग कैसे हैं, जो मैन है वो कैसा है, वो भी ओमनीवोर्स है, क्योंकि वो मीट भी खाता है, मतलब एनिमल्स को भी खाता है, उसके बाद वो चपाती भी खाता है, प्लांट्स भी खा लेता है, तो कैसा है? ओमनीवोर्स है। क्या बेटा रुको ना, पहले पहले ये जो देख, कैट का देखो, कैट भी चूहे को खा लेती है, क्रो भी किसको खाता है देखो, वो भी रोटी भी खाता है, ठीक है, इंसेक्ट्स भी खाता है, पिग भी देखो, पिक किसको खाता है, पिक भी खा लेता है, देखो ये सब सड़ी गली चीज़ जो हम स्केटर निकालते हैं उसको भी खाता है, मतलब गंदगी साफ कर लेता है, उसके बाद में ये भी चावल रोटी भी खा लेता है, हैन भी देखो इंसेक्ट्स को खाती है, काकरोच भी इंसेक्ट को खाता है, चींटी भी इंसेक्ट को खाती है, रोटी भी खा लेती है, स्क्वायरल भी यही है, तो सारे के सारे, पिकॉक भी कीड़े मकोड़े खाता है, तो कहने का मतलब कि ये सारे कैसे बेटा, ओमनीवोर्स हैं, रेट भी ओमनीवोर्स है, ठीक है। तो ओमनीवोर्स के एग्जांपल्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं, इनको अपनी कॉपी में एक बार लिख लो, ठीक है, जल्दी से लिखो इनको अपनी कॉपी में। तो हमने बताया ओमनीवोर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विद, दे ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, तो ये इनके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इनको जल्दी से आप नोट कर लो अपनी कॉपी में, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, अभी आज हमने पढ़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके आगे पहले हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, देन आगे हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में, इतनी बेहतर समझ में, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, है ना, तो इनके ये एग्जाम्पल्स लिख लेना बेटा, ये एग्जाम्पल्स जितने भी हैं इन एग्जाम्पल्स को आप लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को अपनी कॉपी में आप लिख लो, ठीक है। तो फिर नए सेशन में कल मिलते हैं, ठीक है, नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।